वाह भाई वाह, गुल्लक तो तोड़ दी, पैसे निकाल लिए। वाह भाई वाह, तुम बहुत बढ़िया हो। वाह भाई वाह, गुल्लक तो फेंक दिया। देखो दोस्तों, बढ़िया तो हम भी बहुत हैं। अब देखिए इस गुल्लक से भी, इस गुल्लक को भी कैश करेंगे हम और अपने गार्डन में सजाएंगे। इसका बनाएंगे एक प्यारा सा, सुंदर सा, आकर्षक सा प्लांटर। आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको शेप अप कर लेते हैं थोड़ा सा घिस पिट के, और दोस्तों उसमें छेद भी करना पड़ेगा क्योंकि प्लांट्स तो लगाना ही लगाना है ना। अब ये अलग से एक प्लास्टिक का पार्ट दिया है, इसका कुछ बना के इसमें लगाते हैं। दोस्तों अब भेद आपको बता ही देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा, आप तो हमारे घर के आदमी हो। दोस्तों देखिए, हम बना रहे हैं एक फिश प्लांटर। जी हाँ, ये गुल्लक जो टूटी थी ना, ये एक थोड़ी सी फिश शेप मुझे इसमें नज़र आई कि इसको हम फिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिश प्लांटर इसका बना रहे हैं। अभी जो आपने देखा था, देखिए वो जो ऑनलाइन हम खाना मंगाते हैं ना दोस्तों, उसका प्लास्टिक का कंटेनर था। अब देखिए पीछे ये जो काट के हमने किसी और प्लास्टिक के पार्ट को काट के ये फिश की देखिए पूंछ बना दी है, फिश के विंग्स बना दिए, ये बोलें तो हम सही भाषा में बोलें तो विंग्स बना दिए। अब देखिए फेस बना देते हैं और उस पर कर देते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, ताकि ये वाकई में समझ में आए कि ये फिश ही बनी है, कुछ और नहीं बना। अरे दोस्तों यार, बाद में आप मजाक उड़ाओगे कौशिक जी ने क्या बना दिया। तो दोस्तों बनाने की कोशिश तो फिश ही कर रहा हूँ। अब देखिए फिश बनती जा रही है और थोड़ी सी अच्छी भी लगती जा रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना यार, आपके कमेंट से तो हम बूस्टअप हो जाते हैं और एकदम पावर आ जाती है नई। अब देखिए इसमें शानदार सा एक प्लांट लगा दिया, ये बन गया हमारा ब्यूटीफुल फिश प्लांटर। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटीफुल फिश प्लांटर जो आपके गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और मुफ्त का पड़ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है नारियल खोपरा, इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं जैसे गुल्लक के साथ किया था। गोला खा लिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन हमने दोस्तों इसके टुकड़े नहीं किए। हाँ गोला तो ज़रूर खा लिया हमने भी, अब इसे टुकड़े नहीं किए, इसको शेप में काट दिया हमने, हाफ हाफ काट दिया, 50-50 काट दिया है। अब देखिए इसमें ड्रिल मशीन से होल भी बना दिया है, आप चाहें तो किसी कील से भी इसमें होल बना सकते हैं अगर ड्रिल मशीन नहीं है। और नीचे से इसको रब करके थोड़ा फ्लैट कर दीजिए, ताकि इसके दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से चिपका दें जैसे हमने चिपकाया। और देखिए इसके बाद ये शानदार सा एक प्लांट लगा दिया इसके अंदर, ये देखिए स्नेक प्लांट लगा दिया प्यारा सा। अब देखिए कितना सुंदर ये प्लांटर बन गया है, देखिए कितना प्यारा नेचुरल प्लांटर बन गया है। प्लांट भी खुश, हम भी खुश, और गार्डन भी खुश, है ना दोस्तों। कमाल का प्लांटर, तो मुफ्त की चीज़ें जो बिल्कुल फेंकने लायक है, देखिए उससे कितनी अच्छी DIY बनाई है हमने। भाई दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कर देना, वैसे तो पैसे सब्सक्राइब करने में नहीं लगते। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।